नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप, हमने हिंदी साहित्य और प्रथम पत्र का क्लास शुरू कर दिया है। दोस्तों, पहली बार हमने 10 से 15 क्लास फ्री रखा है, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं। अगर प्रमाण के रूप में अगर आप सब रिजल्ट को देखना चाहते हो, हमने सारा इस बार जो नवंबर 2020 में पेपर हुआ था यूजीसी का, उसका हमने यूट्यूब और फेसबुक पे रिजल्ट भी डाला है, वहां से भी तो देख सकते हो। कहीं भी क्लास लेने से पहले एक बार फ्री क्लास आप पढ़ के देखिए, आपको समझ आए तभी ज्वाइन करना, लगे कि यहां से आपका रिजल्ट हो सकता है। दोस्तों, पहली बार हम गारंटी दे रहे हैं रिजल्ट का, हमारा पहले भी गारंटी होती थी, और इस बार 100% रिजल्ट को देखते हुए कोई भी बच्चे क्लास ले सकता है। 10 से 15 क्लास आप फ्री पढ़ के देखो, अगर पसंद आए तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो क्विट कर सकते हैं। हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं रखा है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान 2 से 3 क्लास देते हैं और उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लेते हैं, कुछ भी नहीं है। बस आपको मेरे नंबर पे मैसेज करना है और क्लास से जुड़ जाना है। मेरा मानना है कि आप कहीं जाने से पहले एक बार क्लास करके देखें, आपके अंदर क्या कारण था जो रिजल्ट नहीं हुआ, आप में क्या कमियां रह गई। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में कहां कम नंबर आ गए, फर्स्ट पेपर में कहां समस्याएं रह गई, उन सब पे हम चर्चा करें। कथन कारण को कैसे टिप्स पर बनाया जा सकता है, पूरा हिंदी साहित्य को किस तरह कोडिंग से याद रखा जा सकता है। मेरी आपसे वादा है कि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास अगले 3 महीने में टर्न ऑफ द टिप्स पे होंगे। अगर नहीं होंगे तो कभी भी आप क्लास छोड़ सकते हो। इसी तरह फर्स्ट पेपर का है, किस तरह पढ़ें कि हमारा रिजल्ट हो, हम उसी पे काम करते हैं। हर सेक्शन हिंदी साहित्य में 10 यूनिट है, हम उस दस हर 10 यूनिट पे काम करते हैं, उनके बिंदुओं को देखते हैं, उनके बिंदुओं को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आखिर प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, इन सब पर हम काम करते हैं। और काम कहता है ना, हम कर्म को ही धर्म समझते हैं और उसी का फल है पिछले 6-7 सालों में हमारा रिजल्ट। आप देख सकते हो पिछले 7 साल के हमारे रिजल्ट को, हर बार बेस्ट रिजल्ट रहा है, क्योंकि हमने कर्म को ही धर्म समझा है। इसलिए मेरा मानना है, कहीं पर भी भटकने से पहले एक बार आप 10 से 15 क्लास लेके देखो, क्योंकि मैंने देखा है हमारे पास हर दिन फोन आते हैं, वो बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा 2 साल बर्बाद हो गया, कोई बोलते हैं कि 3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा GRF नहीं हो रहा है, हमारा नेट नहीं हो रहा है। इस प्रकार के बच्चे अपने अंदर के कमियों को जान नहीं पाते हैं, अपने अंदर की कमियों कहाँ पे गलती हो रहा है, हम उसी पे काम करते हैं। किस किस बिंदु पे आप गलत कर जाते हो, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को गलत करते हो, जैसे कथन कारण वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, जैसे कर्म वाले क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि डेट याद नहीं होता है।
पहली बार हमने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में डेट पर भी काम करवाना शुरू किया, चाहे दिनकर की रचनाओं का डेट सहित क्रम जानना हो, चाहे अज्ञेय की रचना का जानना हो, चाहे हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का जानना हो, पूरे हिंदी साहित्य में किसी कवियों का रचनाओं का डेट सहित जानना हो, वो आपके टिप्स पर मिलेंगे। तो इन सब पर काम करते, इसी तरह फर्स्ट पेपर है दोस्तों। फर्स्ट पेपर में, प्रथम पत्र में आपसे डीआई नहीं बनता होगा। डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके चुटकियों में बनेगा ये हमारी गारंटी है। मैथ के सवाल नहीं बनता होगा, जो स्कोर को बढ़ाता है वो सवाल हम आसानी से बनाते हैं, हमारे बच्चे बनाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन के सवाल में आप फंसते होंगे, वही एरिया में हमारे बच्चे लिट लेते हैं और पास करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अगर बोलूं तो हो सकता आप में से बहुतों को ये लग सकता है कि सर क्लास के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये तय है, यह निश्चित है कि आप एक बार क्लास लेकर देखो, वो भी फ्री, कुछ नहीं जाता है। अगर पसंद आए, अच्छा लगे, लगे कि यहां से आपका रिजल्ट हो सकता है, तभी आप ज्वाइन करना, वरना कभी भी किसी भी समय क्विट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है, 2 से 3 क्लास भी हो चुके हैं। तो आप सभी जो भी जून 2021 में एग्जाम देने वाले हो, वो एक बार, इतना दिन तो आपने खुद पढ़ा ही है पिछले 5-6 सालों, 4 साल, 2 साल, 1 साल से खुद पढ़े हो, एक बार फ्री में मेरे पास 10 क्लास पढ़ के देखो, फिर आपके अंदर की कमियां का तो पता चलेगा ही, आप में क्या परिवर्तन आएगा वो पता चलेगा। क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि हर काम को अलग तरीके से करते हैं, हम उसी तरीके पर काम करते हैं। तो एक बार जरूर जुड़े, और मैं अपने छात्रों से भी कहना चाहूंगा, जो पास स्टूडेंट है, जिन्होंने पास किया है, इस बार रिजल्ट हुआ है, आप अपने दोस्तों को बताएं, जिससे वो भटके नहीं, कहीं और जाकर सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, उस टाइम को बर्बाद ना करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।